गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और यह वीडियोस अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड एग्जांपल और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस देखी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, समझ लीजिए। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स सी इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क अलोकेट किए जाते हैं। यह डिवीजन ऑफ वर्क एम्प्लॉय के एक्सपर्टाइज की बेसिस पर होता है। एक ही काम बार बार करने से एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों को ही स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन प्रॉपरली होने से एम्प्लॉयज को उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, हायरार्कियल ऑर्डर क्लियर होता है। इससे कन्फ्यूजन्स दूर होते हैं और एम्प्लॉय की वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होती है। उन्हें पता होता है कि उन्हें किस से ऑर्डर से इंस्ट्रक्शंस लेने हैं और किसे यह इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करने हैं, वे किसके लिए अकाउंटेबल या आंसरेबल है। इससे उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियर होती है। उन्हें पता होता है कि कौन उनका सुपीरियर है और कौन उनका सबऑर्डिनेट। द थर्ड इम्पॉर्टेंस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होने से फिजिकल, मटेरियल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूसेज होता है। कन्फ्यूजन, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स अवॉइड होते हैं। इसके साथ ही रिसोर्सेज और एफर्ट्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। नाउ द फोर्थ इम्पॉर्टेंस इज अडेप्टेशन टू चेंज। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होने से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस डायनेमिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाती है। वे अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फिर से रीसेट कर सकते हैं। टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स के इंटर रिलेशनशिप को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इस तरह वे इस डायनेमिक एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, अडैप्ट करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कर पाते हैं। द फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होने से जॉब पोजिशंस, ड्यूटीज, वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होती है, जिससे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन आसानी से एडमिनिस्टर मैनेज कर पाते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होता है। किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने में भी इससे हेल्प मिलती है। द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होने से मैनेजर्स की क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। वे अपना रूटीन वर्क डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेशन मीन्स टू ट्रांसफर द ड्यूटीज। अब मैनेजर्स अपना टाइम किसी चैलेंजिंग टास्क, इन्वेंशन, इनोवेशन, बिजनेस एक्सपांड करने में लगा सकते हैं। इसके साथ ही सबऑर्डिनेट्स को भी चैलेंजिंग टास्क मिलता है, उनकी भी क्रिएटिविटी और एबिलिटी इम्प्रूव होती है। इससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती है और सभी एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। इम्पोर्टेंस इज एक्सपांशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन फॉलो करने से हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड कर सकते हैं, उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एक्सपांशन मीन्स मोर प्रोडक्शन, मोर सेल्स, मोर एम्प्लॉयज इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जॉब पोजीशंस इंक्रीज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ हैंड्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए बिना न्यू प्रोडक्ट लाइन, न्यू डिपार्टमेंट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे बिजनेस ग्रो होगा। अब एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन दोनों से ही नंबर ऑफ कस्टमर्स, सेल्स, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन फॉलो करने से कन्फ्यूजन्स, केओस ऑर्गेनाइजेशन से दूर होते हैं। इसके साथ ही टीम वर्क इम्प्रूव होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन।
If you like this video, like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get latest notifications. Thank you.